गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है? तो पिछली क्लास में स्टूडेंट हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से देख लिया था, जो हमारे मूल अधिकार थे 12 से 35 तक, 12 to 35, उन आर्टिकल्स का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है? तो हमारे पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, ये तीन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर पर। पार्ट फोर जो कि हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51, 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक, ये हमारा डीपीएसपी है। देखो बहुत सिंपल है, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो राज्यों को निर्देश दिया गया अगले वाले पार्ट में कि वो जब भी कोई कानून बनाए, कोई भी लॉ अगर वो पास करते हैं, तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन ना हो, और डीपीएसपी का प्रयोग करके वो लोग एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक राज्य को निर्देश है कि इन तत्वों का वो उपयोग करे अपने कानून को बनाने में। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान है, हाई कोर्ट में जाने का प्रावधान है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जस्टिफिएबल है, न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है फंडामेंटल राइट्स, जस्टिसिएबल जो कहा जाता है। लेकिन जो डीपीएसपी है ये जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं होती। कहने का मतलब कि अगर राज्य इस निर्देश को न भी माने तो आप इस चीज को लेके कोर्ट नहीं जा सकते कि ये हमारा उल्लंघन हो गया है, राज्य हमारे इस अधिकार को नहीं दे रहा। तो डीपीएसपी में जो चीजें डिफाइन है उसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसको कहा जाता है नॉन जुडिशिएबल या जस्टिसिएबल। क्लियर, जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। फंडामेंटल राइट्स अगर हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के उसमें न्यायालय जाने का प्रावधान नहीं है। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि जो चीजें उस बताई गई हैं वो उसका पालन करे और अपने नागरिकों को वो सुविधाएं दे, बट इसके लिए वो बाध्य नहीं है, मतलब वो एकदम कंपलसरी चीज नहीं है, वो लागू कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, अब एक बात जैसे समझते हैं हम लोग कि अगर ये जस्टिसिएबल नहीं है, जुडिशियल नहीं है, कोर्ट में जाने का आपको प्रावधान नहीं है, मतलब अगर हम इसको देखें राज्य लागू ना करे, तो ये बहुत अगर जरूरी थे तो इसको फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं शामिल कर लिए? और फिर ये स्टेट जो है, तो स्टेट पे ये दबाव कैसे बनेगा कि वो इन सारे तत्वों को माने? तो बिल्कुल दबाव बनेगा। कैसे? जो वोटिंग होती है, चुनाव होते हैं, जब आप वोट देते हैं तो आप क्या देखकर वोट देते हैं? भाई किसी पार्टी को जो आपके राज्य में वो सरकार बनाने वाली है, तो आप कुछ तो सोच के उसको वोट देंगे कि ये वाली पार्टी आएगी तो हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करेगी, हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, हमारी सुरक्षा देखेगी, कुछ तो उसके मैनिफेस्टो में होगा। तो मैनिफेस्टो जो देते हैं वो किस आधार पे देते हैं? डीपीएसपी के ही आधार पे देते हैं कि इसमें जो तत्व हैं जो नागरिकों के लिए मतलब बताया गया है वो उसका ध्यान रखे। तो हर पार्टी अपने चुनाव में एक मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम समान कानून बनाएंगे सबको, सबको रोजगार का अवसर देंगे, हम इतना रोजगार देंगे। तो ये सब चीजें इसी में डिफाइन है डीपीएसपी में। तो भले ये हमारा एकदम कंपलसरी वाला नहीं है, लेकिन हर पार्टी सोचेगी अगर हम इस बार ये चीजें नहीं लागू करते हैं तो अगली बार जनता हमें वोट ही नहीं देगी। तो एक डर बना हुआ है कि नहीं भाई, हमें डीपीएसपी को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली बार हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको दबाव में रखती हैं, जिसकी वजह से राज्य सरकारें इन चीजों को मानती हैं। ठीक है ना? अब जरा देखिए, डीपीएसपी की हमने बात की तो ये राज्यों को निर्देश है, व्यक्ति को नहीं है।
ये राज्य को निर्देश है, सरकार को निर्देश है कि वो किस तरह के कानून बनाए अपने नागरिकों की भलाई के लिए। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? डीपीएसपी का मेन उद्देश्य है कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एक ऐसा समाज आए जो एक कल्याणकारी हो, उस समाज में जो भी व्यक्ति रहता हो उसको समान अधिकार मिले और वो आगे बढ़ता रहे। तो डीपीएसपी का मतलब ये है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी नहीं है, वही हमने बोला आपका कि इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि अगर सरकार आपको ये चीज नहीं दे रही है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे कि देखो ये सरकार ये वाला कानून हमारे लिए नहीं बना रही है। नहीं, वो राज्य के ऊपर है कि वो उस चीज को लागू कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसी को नॉन जुडिशियबल कहा जाता है, जो अवाध योग्य है, जिसको सुप्रीम कोर्ट या उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि फंडामेंटल राइट्स जुडिशियबल है, मतलब उसके अगर हनन होता है तो हम उसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है, जुडिशियबल, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। डीपीएसपी अवाद योग्य है, नॉन जुडिशियबल, कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, ये डीपीएसपी हमने लिया कहां से? तो आप लोग जानते हैं कि आयरलैंड का जो संविधान है, उस आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को ग्राफ किया है। आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी के बारे में डिफाइन था, तो वहां से हमने इसको लिया। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। तो तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने अपनी पूरी एनालिसिस की, रिसर्च किया और फिर अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसको देखते हुए हम लोगों ने डीपीएसपी को लागू कर दिया। तो अगर पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिसने सुझाव दिया था, तो आप कहेंगे तेज बहादुर सप्रू कमेटी बनाई गई थी। और किस देश से ये लिया गया? तो आप कहेंगे ये आयरलैंड के संविधान में उल्लेखित था, जहां से हमने डीपीएसपी को ग्राफ किया। क्लियर? आप एक और बात जानते हैं स्टूडेंट, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यहां से हमने लगभग 75% चीजें ली हैं, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी इस पे डिफाइन है, लेकिन वो इस टर्म में डिफाइन नहीं है, मतलब डीपीएसपी नाम से नहीं डिफाइन है, लेकिन इसी तरह का एक पॉइंट है जो डिफाइन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। उसे क्या बोला जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में डीपीएसपी नाम से नहीं डिफाइन था, लेकिन एक चीज उसमें डिफाइन थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे गवर्नर को, वायसराय को, और जो लोकल अथॉरिटी वहां की थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, अंग्रेजों का शासन जब था, तो उनके लिए कुछ निर्देश थे कि आप इन निर्देशों का पालन करके ही शासन करेंगे, इन निर्देशों को अपनाकर ही कानून बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये निर्देश ही एक प्रकार से डीपीएसपी ही है, क्योंकि डीपीएसपी का भी मतलब वही गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट किस तरह की कानून बनाने वाली है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किया गया था, उसी प्रकार से हमारा डीपीएसपी हमारे संविधान में डिफाइन किया गया। तो वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वर्णित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारतीय संविधान में डीपीएसपी के रूप में स्थान दिया गया। मतलब इन लोगों ने इसको भी स्टडी किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, और उन्होंने समझा कि ये कोई अच्छी चीज है, ठीक है ना? अब फिर स्टडी किया गया आयरलैंड के संविधान को, तो वहां पर सीधा डीपीएसपी वाला जो पॉइंट था उनको मिल गया। तो दोनों को मिलाकर के चीजों को एक्सेप्ट कर लिया गया। क्लियर? और सुझाव समिति कौन सी बनी? तेज बहादुर समिति। तो कुछ पॉइंट्स हमने आपको बता दिए कि डीपीएसपी का असल मीनिंग क्या है। ये राज्य सरकारों को एक निर्देश है, ठीक है, कि वो जब भी कोई कानून बनाए या लॉ पास करें तो इसका जरूर ध्यान रखें कि जो उनके नागरिक है उनके वेलफेयर के लिए हो, उनके कल्याणकारी कामों के लिए हो, उनको सामाजिक समानता दे, सामाजिक न्याय दे, आर्थिक न्याय दे, अगर उन्हें धन की जरूरत है तो धन भी प्रोवाइड करे। तो डीपीएसपी ये चीजें उसमें डिफाइन की गई है। क्या इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? नहीं, ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वो अपने दिमाग का प्रयोग करके इन चीजों को अप्लाई करे जिससे अच्छा समाज निर्माण हो। हम इसको कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कौन सी कमेटी बनाई गई? तेज बहादुर सप्रू कमेटी बनाई गई। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, जिससे प्रेरित होकर के हम लोगों ने इसको शामिल किया है। ये चार मेन पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग आगे। आर्टिकल 36 जो है आपका स्टूडेंट, क्योंकि हमने देखा कि आर्टिकल 36 से 51 तक बात हो रही है, तो आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दी गई है। केवल परिभाषा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझाया गया, डेफिनेशन समझाया गया। क्या? भाग चार में राज्य का यानी स्टेट का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग तीन में। आपने देखा होगा जब फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी
तो आर्टिकल 12 जब शुरू हो रहा था तो उसमें सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी कि 12 से 35 तक स्टेट जो आएगा सब उसका मीनिंग क्या होगा, क्योंकि बार बार स्टेट आएगा तो इससे आप लोग केवल एक पर्टिकुलर राज्य ना समझे कि यूपी एमपी बिहार, नहीं, स्टेट का मतलब यहां पर होगा एक गवर्नमेंट से। उसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, केंद्र आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, उनकी जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करती है, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, पंचायत वगैरह या जो लोकल लेवल पर चलती हैं, वो सब के सब शामिल हैं इसमें। तो लोकल अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज, ये इसलिए ये समझा रहे हैं आर्टिकल में क्योंकि आगे चलकर अगर कोई स्टेट का शब्द आता है इसमें तो स्टूडेंट क्या समझते हैं कि ये केवल पर्टिकुलर राज्य की बात हो रही है। नहीं, यहां पर जो स्टेट शब्द है इसका मतलब ठीक वही है जो मतलब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया। तो स्टेट का मतलब एक गवर्नमेंट से है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या तो फिर आपका लोकल अथॉरिटी हो, ठीक है, या तो पब्लिक अथॉरिटी हो, कोई भी हो। तो जो गवर्नमेंट है, जो कानून बनाने की पावर रखते हैं, उसको अप्लाई करने की पावर रखते हैं, वो सब स्टेट कहलाएंगे, वो सब राज्य कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल 36। मनीष, शुभम, इमरान, अभिषेक, रक्षा शंकर, आर के रौनक से आर के बन गया, ब्रजेश, अनिल, श्वेता, प्रियंका, देखो कि इतने दिन में कितना इंप्रूवमेंट हो गया, रौनक से आर के, बहुत बढ़िया, देवेंद्र, पूजा, समझ में आ रहा है सबको? अजी, अरे कुछ बता दिया करो, यस यस, हम सब कुछ कर दिया करो, सर्वर हिला दिया करो, लगे कि हाँ ठीक है। तो डीपीएसपी किसके लिए है, व्यक्ति के लिए या स्टेट के लिए, व्यक्ति के लिए या स्टेट के लिए, ये निर्देश किसके लिए दिए गए हैं स्टूडेंट्स? स्टेट के लिए दिए गए, वेरी गुड, कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। डीपीएससी बहुत सिंपल है, मतलब ये उतना टफ नहीं है जितना फंडामेंटल राइट है, थोड़ा सा धैर्य से इसको पढ़ोगे डीपीएससी बहुत आसान है, ये तुरंत ही चीजें इसकी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा, और आर्टिकल 36 में हम एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, स्टेट के डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट क्या होगा, कौन सी कौन कौन लोग इसमें आएंगे, है ना, तो हम इसकी बातें कर रहे हैं। तो आर्टिकल 36 क्लियर है एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 37 पर। आर्टिकल 37 हमें बस इतना बताता है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, मतलब जो बात हम ऊपर कर रहे हैं कि ये नॉन जुडिशियबल है, मतलब हम डीपीएसपी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में चुनौती इसको नहीं दी जाएगी, इसी को हम कहते हैं नॉन जुडिशियबल। तो आर्टिकल 37 में हमें ये कहा जा रहा है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन आर्टिकल 37 में एक बात और बोली जा रही है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है, भले ये नॉन जुडिशियबल है लेकिन राज्य इस चीज को ध्यान रखे कि ये बहुत जरूरी है, तो इस चीज की नौबत ही ना आए कि कोर्ट वगैरह जाना पड़े, इसी वजह से हम इसको नॉन जुडिशियबल बना रहे हैं, लेकिन ये राज्य के मोरल पर है कि वो इन चीजों को अच्छे से अप्लाई करे, ठीक है। 38, राज्य जो है स्टेट लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, कहने का मतलब स्टेट कुछ ऐसी चीजें करे जिससे जो इनकम है व्यक्ति की, इनकम जो आय है, कमाना है जो उसे, जो उसका सम्मान है, प्रतिष्ठा, एक स्टेटस जो उसको समाज में मिलना चाहिए, सुविधाएं उसको जो मिलनी चाहिए, और जो अवसर अपॉर्चुनिटी की असमानता ना हो, मतलब यहां पर ये ध्यान रखना है 38 के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि सभी को समान प्रकार की न्याय मिले, मतलब इनइक्वल जस्टिस ना हो, बराबर का अधिकार दीजिए सबको, और कोशिश करिए कि वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। कैसे?
सबको समान आय मिले, एक ऐसा मौका दीजिए कि इनकम सबकी बराबर एक तरह से चले, सबको समाज में एक सही पोजीशन मिले, कोई पिछड़ा ना रहे, सब लोग एक बराबर होकर के चले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, अवसर, भेदभाव करके नहीं। क्लियर है? और सुविधाएं जो है वो आपको देनी दे रही है। तो आर्टिकल 38 में वो एक बात कर रहे हैं कि लोगों की भलाई के लिए आपको कुछ काम करना है, लोगों की भलाई करनी है। और लोगों की भलाई आप कैसे करेंगे कि उनकी जो आय है, प्रतिष्ठा है, सुविधा है और अवसर है, उसकी जो असमानता चल रही है उसको खत्म कर दीजिए, कम क्या करिए, खत्म ही कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो आर्टिकल 38 में इन चीजों के बीच जो असमानता चल रही है उसको खत्म करने की बात हो रही है कि समाज में कोई इस तरह से ना देखे कि बहुत अमीर हो गया है कोई, कोई बहुत गरीब हो गया है, कोई अपना जीवन ढंग से जी ही नहीं पा रहा, कुछ नहीं है उसको खाने पीने के लिए, कुछ नहीं है। तो मतलब इस तरह की ना हो, कुछ सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्टेट को देखना होगा, इस तरह से वो कुछ कानून वगैरह लेकर आए। जो बात 38 में की जा रही है उसी को 39 में लागू कराया जा रहा है। मतलब 38 में बस वो ये बात कर रहे हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था बनाइए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए, कुछ ऐसी कमेटी बनाइए, कुछ ऐसा आयोग बनाइए जो इन चीजों को देखे। 39 में वो कुछ चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? कि राज्य क्या क्या कर सकता है। मतलब यहां पर वो एक मॉरल ड्यूटी बता रहे हैं कि आपको इस तरह से सोचना है। अब वो क्या क्या कर सकता है उसकी बात की गई 39 में। क्या? सभी सिटीजन को रोजगार मिले, पहला पॉइंट ये कह रहे हैं, हर नागरिक का एक पॉइंट है कि उसको एक रोजगार मिले। इसीलिए देखिए कि जब हमने आपसे कहा था कि क्या अनिवार्य रोजगार देना मूल अधिकार है, तो नहीं, रोजगार वाला जो पॉइंट है वो डीपीएसपी में है। इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये नॉन जुडिशियल में है। हाँ, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि हमारे जो सिटीजन है उन सभी को रोजगार मिलता रहे, तो ये उनके ऊपर है। दूसरा कि पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक ही काम पुरुष कर रहा है और वही वाला काम स्त्री भी कर रही है, तो आप केवल पुरुष और स्त्री के आधार पर उसके वेतन में कटौती नहीं कर सकते। अगर आप पुरुष को उस काम के लिए 10,000 दे रहे हैं, तो आपको स्त्री को भी वो 10,000 देना होगा उसी काम के लिए। तो ये पॉइंट 39 में बताया जा रहा है कि सभी सिटीजन को रोजगार मिलना चाहिए और पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स, जो संसाधन है, मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जिसके पास बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ है, झारखंड वगैरह जिसके पास कोल माइंस है, ठीक है, अलग अलग स्टेट है जिनके पास मिनरल्स बहुत ज्यादा है, किसी के पास वन संपदा बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा है, क्लियर है, किसी के पास गोल्ड माइंस है। तो अगर कोई ऐसा है जिसके पास इस तरह के संसाधन है, तो राज्य इस चीज को इंश्योर करे, यानी कि गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में न जाए। मतलब ये नहीं कि इसका केंद्रीकरण ना हो जाए कि कोई एक व्यक्ति पूरे संसाधन को अपने अधिकार में ले ले, नहीं, इसका वितरण समान रूप से हो। मतलब अगर चार लोग हैं, पांच लोग हैं या जो भी है, तो इनका वितरण उस प्रकार से किया जाए, किसी हम एक व्यक्ति को पावरफुल ना बना दें कि पूरे कोल माइंस पर उसका अधिकार हो जाए, कि पूरे वन क्षेत्र पर हम उसको दे दें, तुम ही अब इसका अधिकार देखोगे, ऐसा ना हो। तो 39 में ये बात की जा रही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे जो संसाधन है, जैसे कोल माइंस, गोल्ड माइन, फॉरेस्ट वगैरह, ऐसे जितने भी संसाधन है, गैस कहीं से निकल रहा है, कहीं से यूरेनियम हो रहा है, कहीं से आपका थोरियम हो रहा है, तो ये जो संसाधन है वो उचित वितरण हो, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में ये ना रहे, क्लियर, इसका ध्यान रखना है। तीसरी बात वो क्या कर रहे हैं, सरकार इंश्योर करे कि वेल्थ और प्रोडक्शन केवल कुछ लोगों के पास ही ना हो जाए। मतलब धन, जैसे आप लोग बार बार कहते हैं अडानी, सारा कुछ अडानी के पास है, सारा कुछ उनके पास है, अंबानी के पास है, तो मतलब इस तरह की जो चीजें हैं ये ना हो कि पता चला कि पूरी जो धन संपदा है, जो प्रोडक्शन का पावर है, वो किसी एक पर्टिकुलर को दे दिया जाए। तो ये भी स्टेट इंश्योर करे, गवर्नमेंट इंश्योर करे कि ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में ना चले जाए। तो वही वो कह रहे हैं कि जो वेल्थ है और प्रोडक्शन जो करना है वो किसी एक लोगों के या कुछ लोगों के हाथों में ना रहे, ठीक है, नहीं तो वो इसका गलत उपयोग करेंगे। चौथा वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को लेकर बड़ा ध्यान रखिए, बच्चों से ऐसे काम मत करवाइए जो उनकी क्षमता से बाहर हो। मतलब भले वो 18 साल के ऊपर है, लेकिन कोशिश करिए कि जो जिस स्ट्रेंथ का है, जिस ताकत का है, उससे वही काम लिया जाए।
मतलब जो टैलेंट है उसके पास, जो योग्यता है उसके पास, उससे वही काम करवाया जाए। और ये भी इंश्योर किया जाए कि बच्चे जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका वर्क प्लेस जो है वो बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट हो, उनके हेल्थ पर कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको हर प्रकार की स्वतंत्रता रखी जाए, उनके मेडिकल का ध्यान रखा जाए कि अगर वो बीमार हो या कुछ हो तो उनको मतलब प्रोवाइड किया जा सके, तो शोषण ना हो उनका, तो बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण मिले, स्वस्थ विकास हो उनका और सुविधाएं उनको दी जाए, शोषण ना हो उनका कि वर्क प्लेस में पता चला बच्चों का आप शोषण कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके आर्टिकल 39 में बताई जाए। क्या बहुत सिंपल सा कि आपको एक रोजगार दिया जाए, जो सबका अधिकार है भाई, रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम लोग कैसे जिएंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे, परिवार को कैसे चलाएंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो स्त्री पुरुष है अगर वो समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिले, जो आपके संसाधन है वो किसी पर्टिकुलर हाथ में न चले जाए, एक उचित वितरण हो, बराबर का सबको साझेदार बनाया जाए। तीसरा, जो देश की धन है, प्रोडक्शन का जो पावर है, वो भी कुछ लोगों के हाथ में ना रहे। और साथ में बच्चों से संबंधित आप बड़ा ध्यान रखें कि जो उनका वर्क प्लेस है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट वाला हो, ठीक है, वहां पर उनका शोषण ना हो, समान अवसर उनको प्रोवाइड किया जाए, स्वस्थ रहे वो हर तरीके से। तो ये चीजें की जाए, तो ये आर्टिकल 39 में समझाया जा रहा है स्टेट के लिए कि आप लोग को ये सारे काम करने हैं। तो ये गवर्नमेंट को बताया जा रहा है कि अपने नागरिकों के लिए आप क्या क्या सुविधाएं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स। तो 38 में वो क्या कह रहे हैं कि 38 में वो कह रहे हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि समाज में कोई असमानता ना हो, किसको लेकर, आय को लेकर, कम ज्यादा का पॉइंट ना हो, बराबर तरीके से सबको देखिए, कोई भेदभाव मत करिए। तो 38 में वो आपकी बात कर रहे हैं आय से रिलेटेड, प्रतिष्ठा से रिलेटेड, सुविधाएं देने से और अवसर देने से, इनकी जो असमानता है इसको दूर करना है, इसको दूर करना है या तो इसको खत्म करना है, सीधी सी बात ये है। और 39 में वो सीधे अप्लाई करने की बात कर रहे हैं कि आप इंश्योर करिए कि सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी को समान रोजगार, मतलब रोजगार मिलेगा उनको, और स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखें। नेचुरल रिसोर्सेस किसी पर्टिकुलर के पास ना हो, उचित वितरण हो उसका, वेल्थ, धन और प्रोडक्शन ये केवल कुछ लोगों के हाथ में ना चले जाएं, और अपॉर्चुनिटी मिले बच्चों को कि उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो। शुभम, 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 अरे एक शुभम गुप्ता है, निपट गया था वो ना। तो यहां से हम लोगों ने आर्टिकल 36, 37, 38, 39, आर्टिकल 36 डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 38 हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करने को कहता है, आर्टिकल 36 हो गया डेफिनेशन, 37 कहता है कि जो डीपीएसपी हैं वो जुडिशियबल नॉन जुडिशियबल है, मतलब हम इनको लेकर के कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। 38 आपसे कहता है कि राज्य की भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए, अपने सृजन की भलाई के लिए, ठीक है, आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि सबको समान प्रकार का न्याय मिले, जो उनके सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है, ये तीनों चीजों को इंश्योर करें कि उनको बराबर मात्रा में मिल रहा है। साथ में ये भी इंश्योर करें कि आय को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर, उनके अवसर को लेकर कोई असमानता नहीं हो रही है। 39 में आपको बताया जा रहा है कि आप सिंपल सिंपल सबको रोजगार दीजिए, अगर बराबर काम है तो स्त्री पुरुष में भेद मत करिए, बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण दीजिए जिससे वो प्रोग्रेस कर सके, ठीक है, उनका शोषण मत करिए, और जो हमारे देश की नेचुरल संपदा है उसका उचित वितरण हो, बराबर मात्रा में, किसी पर्टिकुलर के हाथ में न चला जाए, और जो देश का जो प्रोडक्शन करना है, धन है, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में ना रहे। तो इस तरह की बातें हमें की जा रही है आर्टिकल 39 में। जो लास्ट वाला पॉइंट है बच्चों वाला, ये बच्चों वाला पॉइंट बाद में ऐड किया गया है, एक अमेंडमेंट हुआ है, तो ये वाला जो है ना बच्चों वाला अपॉर्चुनिटी वाला, ये जो है आपका, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक तो ये आर्टिकल 39 का ये वाला पॉइंट ऐड किया गया है बच्चों वाला, और एक ऐड किया गया ये आर्टिकल 39A। तो 39A भी इसी संविधान संशोधन से ऐड किया गया है। तो 42वां जो संविधान संशोधन है वो हमें दोनों चीजों के बारे में बताता है, बच्चों से रिलेटेड जो है, और साथ में हमें यह भी इंश्योर करता है कि आर्टिकल 39A में क्या बात की गई। आर्टिकल 39A को समझने के लिए बहुत आसान है स्टूडेंट, क्या आप अपने समाज में देखिए,
तो क्या सब लोग अमीर हैं? नहीं है। सभी लोग क्या एक प्रकार से न्याय पा जाते हैं? नहीं है। बहुत गरीब लोग हैं। और आप जानते हैं कि कोर्ट की जो फीस देना है, वकीलों की जो फीस देना है, ये बहुत महंगी है। तो जो बहुत गरीब है, जो रिक्शा चला रहा है, जो एकदम कमजोर है, जो अपने परिवार को खिला नहीं पा रहा है, अब अगर उसे न्याय चाहिए तो क्या वो न्याय का अधिकारी नहीं है? भाई हर नागरिक न्याय का अधिकारी है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है वो कोर्ट जाए। तो इस चीज को इंश्योर किया गया, स्टेट को एक गाइडलाइन दी गई कि अगर आपके उसमें कोई भी सिटीजन बहुत गरीब है या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ये उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको न्याय मिले और अगर जरूरत पड़े तो उसे वकील मुहैया कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी उसको कानूनी सहायता चाहिए वो उसको प्रोवाइड करे। तो आर्टिकल 39 में यही बात की गई है कि सबको समान न्याय मिले और समान न्याय के साथ निःशुल्क विधिक सहायता मिले। मतलब जो कानूनी सलाह है, अगर इसके लिए वकील करना पड़े तो वो भी करके दीजिए उसको। स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन ये फोर्सेबल नहीं है, कंपलसरी नहीं है। राज्य इसको नहीं भी कर सकता है क्योंकि ये डीपीएसपी में शामिल है। अगर ये फंडामेंटल राइट में होता तो उसको करना ही पड़ता, लेकिन क्योंकि डीपीएसपी में है तो ये उनके ऊपर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट ये काम करती है नहीं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसको एक बताया कि राज्य की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को वो इस प्रकार से कानूनी सहायता प्रोवाइड करे, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो। 39A के तहत ये चीज की गई। 40 में क्या किया गया, ये बहुत सिंपल, आप लोग जानते होंगे। 40 में जो हमारे ग्राम पंचायत है ना, पंचायत, वो ऐड किए गए। तो पंचायत जो है ना, उनका डिस्कशन हमारे आर्टिकल 40 में है। तो जो गांव में पंचायत होती है वो आर्टिकल 40 के तहत हमें देखने को मिलता है, जो प्रावधान किए गए हैं। एक समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति 1956 में, जिन्होंने 3 लेवल पर पंचायत का सुझाव दिया था। एक जिला पंचायत होगा, एक क्षेत्र पंचायत होगा और एक ग्राम पंचायत होगा। तो आप लोग ज्यादातर परिचित हैं इन शब्दों से। अगर आप प्रधानी वगैरह का जानते होंगे गांव वगैरह में, तो आप लोग इन शब्दों से परिचित होंगे, ठीक है ना। तो एक ग्राम पंचायत से तो हर कोई परिचित होता है, जो कि आपके गांव लेवल पर ही होता है, ठीक है ना, जो ग्राम प्रधानी वगैरह का चुनाव लड़ा जाता है। फिर आपका उसके ऊपर क्षेत्र पंचायत रहता है और उसके ऊपर फिर आपका जिला पंचायत होता है। तो इस तरह से 3 लेवल पर इसकी बात की जाती है और ये बलवंत राय मेहता समिति ने अपने सुझाव में दिया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां से लागू हुई है, तो ये राजस्थान का एक जिला है, नागौर। तो राजस्थान में एक नागौर जिला है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इस पंचायती राज का नींव डाला था। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वो कहां से हुई थी, तो नागौर जिला राजस्थान में शुरू हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959, बहुत पहले ही हो गई, मतलब जवाहरलाल नेहरू है उस समय। तो 2 अक्टूबर 1959 में ही पहली बार पंचायती राज जो देखने को मिला वो राजस्थान के नागौर जिला में देखने को मिला था। आगे चल करके एक और समिति बनी जिसको अशोक मेहता समिति कहा गया, और इसने ये जो 3 लेवल के थे इसको घटा करके इन्होंने कहा कि 2 लेवल पे काम चल जाएगा, जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत। तो जो हमारी बात 3 लेवल की बलवंत राय मेहता ने की थी कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हो, वही अशोक मेहता कह रहे हैं कि केवल 2 लेवल पे काम चलेगा 1978 में, जिला परिषद और क्षेत्र पंचायत। इस तरह से बात हो रही है, क्लियर है सबको? अरे नगर पालिका जो होता है, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, शहर में होता है। नगर पालिका यानी कि जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज होता है, नगर निगम है, ये शहर में होता है, सिटीज में। पंचायत जो जनरली होते हैं वो गांव लेवल पे कहे जाते हैं, ग्रामीणों के लिए, ठीक है। जैसे शहर में जब नगर निगम होगा, नगर पालिका होगा, तो ये वार्ड बनते हैं, मतलब उस तरह से देख करके ये इस नगर निगम के अंतर्गत आता है। गांव में क्या बात करते हो, नगर निगम थोड़ो कहते हो आप, क्या कहते हो, ये ग्राम सभा है, इसके अंतर्गत ये आता है, ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये आ गए, वहां पर वो बात होती है। गांव में हम लोग नगर निगम की बात थोड़ी ना करते हैं। तो जो चीज नगर निगम शहर में है वही चीज गांव में ग्राम पंचायत के रूप में है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बात कर ली बहुत सिंपल सी, हम लोगों ने डीपीएसपी का कुछ पॉइंट्स देखा। जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और सब लोग अपने अपने दर्शन दें, सामने आए ताकि हम कुछ पूछ सकें। अरे सामने रहते तो पूछने में ज्यादा अच्छा लगता है,
तो जब हम डिस्कशन करेंगे तो फिर छुप जाना सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ डीपीएसपी के किस पार्ट में बात की गई है? संविधान के किस भाग में डीपीएसपी की बात की गई है? जल्दी जल्दी हेमा, अभिषेक, सौरभ, संजय, सुमित, देखो वो कह रहा है 36 आर्टिकल में। हम पार्ट पूछ रहे हैं, मतलब इसके बाद भी आंसर गलत आते हैं, कैसे कैसे स्टूडेंट हो भाई। भैया ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए हमें, हमने 36 से 51 नहीं पूछा है, हमें पता है तुमको बहुत बहुत चीज मालूम है, हम खाली पार्ट पूछे हैं कौन से भाग में है। तो संविधान का भाग है पार्ट 4। जब हम आपसे कहें कि आर्टिकल कौन सा है तब बताइए कहां से कहां तक आर्टिकल है। ये देखो कुछ बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वहां, भैया तुम लोग ना वीडियो ऑन करो, हैं जो क्लास वाले हैं। क्लास चल नहीं रही क्या? तुम वीडियो ऑन कर लियो, क्लास करो चुपचाप। कह रहा है सर अभी नहीं आए क्लास में, 11:30 बज रहा है, नहीं है, पहुंच रहे होंगे। चलो ठीक है, तो 36 से 51 तक बात हुई है, 36 से 51 तक, ठीक है। क्या डीपीएसपी हमारा जुडिशियबल है या नॉन जुडिशियबल, मतलब कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। तो नॉन जुडिशियबल है, मतलब हम इसको कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप उस कमेटी का नाम बताइए जिसके सुझाव समिति पर हमने डीपीएसपी को रखा, उस समिति का नाम बताइए जिसके सुझाव पर हमने डीपीएसपी को रखा। तेज बहादुर सप्रू, वेरी गुड। देवेंद्र देखो यात्रा करते करते आंसर दे रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे स्टूडेंट चाहिए हमें। देखो कैसे कैसे बैठे हुए सर, बिल्कुल क्लास कर रहे हैं हम, देखिए, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और बाकी लोग आंसर आ रहा है सबका, तेज बहादुर सप्रू, वेरी गुड, तेज बहादुर सप्रू, सबका आंसर सही है। वो देखो पीछे ब्रजेश, वो अलग है, वो नहा धो करके अपना चल रहा है, हैं? तो चलो कोई बात है, ठीक है यार, ये सब चलता है, ये सब कोई थोड़ा ना है, नॉर्मल है सब। तो हम लोगों ने ये बात कर ली, चलिए हमने आर्टिकल बात की आपसे 36, 37, 38, 39, 40। 36 में क्या बताया गया, डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन स्टेट की, वेरी गुड। 37 में क्या बताया गया, ये जुडिशियबल नहीं है, मतलब हम इसको कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे, ओके। 38 में क्या बताया गया, असमानता ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, आय को लेकर, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को लेकर, यही तो, आय को लेकर कोई दिक्कत ना आए उसको, प्रतिष्ठा को लेकर असमानता ना हो, है ना, ये सब चीजें, सबको समान चीजें मिले, अवसर रहे, कोई भेदभाव ना हो, क्लियर है। लोक कल्याण की वृद्धि हो, राज्य ये चीज का ध्यान रखे कि लोगों के मतलब इंप्रूवमेंट, वेलफेयर के लिए काम करें, अच्छी चीजों के लिए उसकी काम करें जिससे उसकी प्रोग्रेस हो, ओके। 39 में क्या बात हुई, कई सारी बातें हुई, कोई एक बात बताओ। अच्छा राफिया कह रही है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, बिल्कुल वो 38 की बात है कि जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि सबको तीनों प्रकार के न्याय मिले और सबको समान अवसर मिले, वो सब चीजें। कोई भी लिखिए आप लोग, 39 का जो भी पॉइंट आपको याद हो, 39 का जो भी पॉइंट आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। सभी को रोजगार मिले, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
समान कानून, कानून वाली बात इसमें थोड़ा ना कही गई है, वो तो 39A में की गई है जो अगला वाला है। हम केवल 39 बोल रहे हैं, तो 39 में हमें समान रोजगार की बात की गई, स्त्री पुरुष को अगर एक ही काम दिया जा रहा है तो उनको पैसा भी समान दिया जाए, उसमें भेदभाव ना हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं वो किसी एक कुछ लोगों के हाथ में ना चले जाए, उसका उचित वितरण हो। जो धन है, प्रोडक्शन है, वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के हाथ में ना पहुंच जाए, जिससे वो अपना उसका मनमानी यूज करें। वर्क प्लेस पर बच्चों का ध्यान रखें कि वो उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। है ना डीपीएसपी आसान? ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, डीपीएसपी में बहुत टफ नहीं है। मतलब हम थोड़ा सा दो चार बार पढ़ेंगे तो डीपीएसपी हमें क्लियर हो जाते हैं कि जो हमारे समाज में चल रहा है वही सब चीजें हैं, ठीक है। 39A जो है वो 39A कहता है कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है व्यक्ति, तो ये गवर्नमेंट या स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको एक निःशुल्क विधिक सहायता दे। अगर उसे वकील की जरूरत है तो वकील दे, है ना, और उसको कानून की मतलब कानून एक न्याय जो मिले वो बराबर मिले, कहीं छोटे बड़े का देख करके उसको न्याय से वंचित न कर दिया जाए। ये 39A में कहा जा रहा है। और किस आर्टिकल से, अब किस संशोधन से ऐड हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 39A वाला, क्लियर है। चलिए ग्राम पंचायतों का जो गठन है स्टूडेंट, ग्राम पंचायतों का गठन बताइए कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? शुभम, राफिया, ब्रजेश, पूजा, पूजा दो पूजा है क्या? अच्छा, अनिल, सूरज, आर्टिकल 40 फटाफट टाइप हो रहा है, वेरी गुड। अदिति, आर के यादव, श्रद्धा, सबने बढ़िया टाइप किया। तो ग्राम पंचायत, आप बताएं वो कौन सा जिला है जहां से ग्राम पंचायत का शुरुआत किया गया, कौन सा जिला है जहां से ये शुरू किया गया? नागौर राजस्थान, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया, वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल 40 तक, ठीक है, बस हो गया, छुप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली आपसे 40 तक, आर्टिकल 40 तक बात कर ली। आते हैं अब आगे स्टूडेंट्स, देखिए इसकी बात हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41 हमसे क्या कहता है। अनुच्छेद 41 ऐसा कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब हर नागरिक का ये पॉइंट है कि उसको काम मिले, शिक्षा मिले, लोक सहायता मिले, पब्लिक असिस्टेंट, कुल मिला के ऐसा समझिए अनुच्छेद 41 में आर्थिक मदद की बात की गई। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर है, कहने का मतलब जैसे आप समझिए कि कोई विकलांग है, वृद्ध हो गया है, जो काम नहीं कर पा रहा है, अब वो उस तरह का जवान तो है नहीं, तो आपके राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जीवन यापन करने के लिए कुछ आर्थिक मुहैया कराए। जैसे आप अगर बहुत वृद्ध है तो वृद्धा पेंशन शुरू होता है, विकलांग है तो विकलांगों के लिए आप कई सारी सहायताएं दे सकते हैं, उनके लिए स्कूल खुलवा सकते हैं, उनको आप अगर नहीं चल पा रहे तो साइकिल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एक आर्थिक मदद की बात की गई है। अब वो चाहे उसके शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे उसके काम से रिलेटेड हो, चाहे उसके जीवन यापन से रिलेटेड हो। तो 41 हमें ये कहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत सक्षम नहीं है, है ना, बहुत सक्षम नहीं है, भाई रोजगार का मतलब तो वो था कि ठीक है आप सक्षम है, आपको रोजगार चाहिए, जवान व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं समथिंग, लेकिन जो पढ़े मतलब बहुत कमजोर है, जो उस हालत में नहीं है फिजिकली वर्क कर सके, तो उनके लिए क्या उनको मरने के लिए छोड़ दें? तो नहीं, आर्टिकल 41 में उनको भी आर्थिक सहायता देने की बात की गई है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग देखते हैं कि जो वृद्धा पेंशन दिया जाता है और विधवा पेंशन जो मिलता है, पति वगैरह मर गए हैं या उसमें, तो आप वो कैसे काम चलाएगा, तो विधवा पेंशन की व्यवस्था करना, वृद्धा पेंशन देना, विकलांग को साइकिल वगैरह प्रोवाइड करना, उसकी शिक्षा का ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट जो है वो आपके अनुच्छेद 41 में है। तो एक प्रकार से पब्लिक असिस्टेंट की बात हो रही है, आर्थिक मदद की बात हो रही है। और इसीलिए एक कानून बनाया गया था, एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में, जिसको NSAP एक प्रोग्राम कहा गया था, NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसके तहत
हम लोग इनको मदद देने की कोशिश किए थे, आर्थिक मदद देने की, पैसे वगैरह देने की। तो आर्टिकल 41 हमें ये कहता है कि जो बहुत सक्षम लोग नहीं हैं उनको हम कुछ ऐसा करें। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो अगर आप नहीं समझ पाए तो इस चीज को पढ़ो, कुछ दशाओं का मतलब समझ गए ना, कुछ दशाओं का मतलब सिंपल वही हो गया कि वो बहुत सक्षम लोग नहीं है, है ना, थोड़े से वो फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे, विकलांग हो गए हैं तो कैसे पूरा वर्क करेंगे, है ना, विधवा हो गया, मान लो कोई उनके साथ है ही नहीं, पति था तो संभाल रहा था, अब कैसे वो जीवन यापन करेंगे, उनके बच्चे हो सकते हैं, तो अब ये जो कुछ कंडीशन है ना उसमें हमें उनकी आर्थिक मदद करनी होगी। तो ये 41 कहता है, तो वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस आर्टिकल को ध्यान रखे और इसके तहत वो कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जिनसे वो मदद मिल सके। ये अलग बात है कि ये फोर्सेबल नहीं है, फोर्स नहीं कर सकते आप गवर्नमेंट को, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी तो अगला चुनाव नहीं जीतेगी, ऑब्वियस बात है ना। तो अगर ये फोर्सेबल नहीं है लेकिन वो ध्यान रखेगी ना कि अगर हमें अगला चुनाव जीतना है, गवर्नमेंट करना है, तो हमें इन लोगों को ध्यान देना होगा, नहीं तो ये लोग तुरंत बाइकआउट कर देंगे, भैया हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो भले ये कंपलसरी नहीं है लेकिन इस चीज को लागू करने के लिए राज्य थोड़ा सा ध्यान रखता है कि हमारे उसमें जो भी लोग रह रहे हैं उनको इस तरह की चीजें मिलती रहे, ये है पॉइंट। चलिए बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 42 की। देखो अनुच्छेद 42 में सिंपल सी बात ये हो रही है, काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। देखो ये ऐसे समझ सकते हो जैसे आप लोगों ने देखा कि जबरदस्ती काम ना कराओ, मतलब काम कुछ ऐसा हो, जैसे हमने वही कहा, आप जैसे मैटरनिटी होता है, अब मान लो कोई फीमेल एम्प्लॉय है, प्रेग्नेंट है वो, अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, है ना, तो ये उसके साथ अन्याय है, क्योंकि कायदे से आपको, क्योंकि आप उस कष्ट को नहीं समझ पा रहे, अब वो स्त्री ही है जो उसको जान रही है, तो आप तो अपना काम देख रहे हैं अपनी कंपनी का, लेकिन वो किस पेन से गुजर रही है, उसको क्या मतलब दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है वो आपको पता ही नहीं है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को ध्यान रखे तो उससे कोई अन्याय ना हो, अगर उसकी कंडीशन उस तरह की नहीं है तो आप फोर्सिबली उससे काम मत करवाइए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो मैटरनिटी सहायता है वो देनी शुरू की गई, और आज आप जानते हैं कि लगभग 6 महीने तक का प्रावधान है, मैटरनिटी लीव मिल सकती है कि अगर वो है तो मतलब बढ़ा दिया गया, पहले कम था शायद 3 महीने के आसपास था या कुछ था, तो अब वो 6 महीने तक उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है ना, अब इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि भैया हमें तो कंपलसरी नहीं है, है ना, अरे ये आपका मोरल सेंस है भाई, कंपलसरी नहीं है तो आपका मोरल सेंस है ना कि आप उनके हिसाब से मतलब देखिए कि वो किस तरह से मतलब सही तरीके से वो रह सकें, है ना। तो अनुच्छेद 42 हमें ये बताता है कि जो काम की न्याय संगत है, सभी से न्याय हो, कोई मतलब वही भेदभाव वाला पॉइंट ही कि वो ना आए, और कुछ ऐसी चीजें हो कि जानवरों की तरह काम ना कराएं, मतलब उनको मानव मान के काम कराएं ना, ये नहीं कि बस सुबह से 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक चलो बेटा लगे रहो। तो ये मतलब जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा ध्यान रखे इन चीजों का कि काम किस तरह से कराया जा रहा है और मानव मान के कराइए, मानव के लिए जो उचित हो, मानवोचित का मतलब जो मानव के लिए उचित हो, जो ह्यूमन है, हम जानवर नहीं है, हम एक ह्यूमन है, हमारे कुछ चीजें हैं कि हम सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके, उन चीजों के लिए जो जरूरी है वो कर सके, और उसी के तहत प्रसूति सहायता मतलब मैटरनिटी जो महिलाओं से रिलेटेड है उसका भी प्रावधान हम लोग रखें, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी 42 में। 43 में वो लोग क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉई है मतलब जो एम्प्लॉई है काम करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, जैसे आप कुछ दिन के बाद जाकर के जेई बन जाएंगे, तो जैसे आप लोग हो गए कर्मकार हो गए या काम करने वाले लोग हो गए, तो उनको कम से कम इतनी मजदूरी तो दो कि वो जी सके, मतलब ऐसा नहीं कि काम करा रहे हैं लेकिन मजदूरी, पता चला बना जेई रहे हैं, चलो बेटा दिन के हिसाब से देंगे तुमको पैसा, रोज तुमको 300 मिलेगा, देखते हैं तुम लोग कितना काम करते हो, तो अब मतलब इस तरह का ना हो कि कम से कम इतनी तो मजदूरी उनको मिल जाए कि वो अपना परिवार चला सके, तो इसका प्रावधान रखा गया कि कम से कम आप इसको कम करके ना दें, उस पोस्ट के हिसाब से कुछ ऐसा सैलरी की व्यवस्था करें कि, अब देखो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है खर्चे बढ़ते हैं, ये भी आप जानते हो, एक स्टेटस बढ़ता है ना, जैसे एक क्लर्क है तो क्लर्क कम पैसे में चला लेता है काम, लेकिन अब एक कोई मैनेजर बन गया तो
तो पूरा स्टेटस देखना है उसको, है ना। जहां वो साइकिल से आ रहा था तो अब उसको बाइक चाहिए होगी, पता चला कार चाहिए है, है ना। कहीं वो 10 रुपए का सेंट लगाता था तो अब उसको 100 रुपए वाला सेंट चाहिए, है ना। पहले वो किसी को पार्टी नहीं देता था तो अब पता चला एम्प्लॉय को पार्टी भी देनी पड़ रही है। अरे स्टेटस भी तो बढ़ता है भाई। और कई सारे पता चला कि जब क्लर्क था तो सोच रहा था कि शादी नहीं करेंगे, जब बन जाएंगे अफसर तब करेंगे। पता चला बन गया अफसर तो कहता अब शादी कर लिया जाए, तो शादी करते ही खर्चा बढ़ गया, ठीक है, परिवार के खर्चे बढ़ गए। पता चला कुछ दिन बाद बच्चे हो गए, लो खर्चा और बढ़ गया। अरे कम से कम मतलब इतना ध्यान रखो उसको इतनी मजदूरी मिले कि वो क्या कर सके, अपने परिवार का निर्वाह कर सके। ये बात की जा रही है 43 में। तो आजकल 43 वो बताता है कि वो मतलब इतना तो दे दो कि वो जी सके। और इसमें एक और बात ध्यान रखी गई है, कुटीर उद्योग जो होते हैं ना, मतलब अगर हमें ये लगता है कि जैसे मान लो हमारा क्षेत्र है, सपोज हमारे क्षेत्र में कोई चीज बहुत अच्छी पैदावार हो रही है, बहुत अच्छा काम वहां पर हो सकता है, तो हम छोटे मोटे उद्योग, जैसे मान लो गन्ना बहुत हो रहा है, तो गन्ना अगर बहुत हो रहा है हमारे क्षेत्र में, तो सरकार कुछ ऐसा करे कि वहां के जो लोकल लेवल है उनको थोड़ी सहायता दे दे, ताकि वो कोई मशीन लगा ले भाई, गन्ना पेरने की मशीन लगा ले खुद। ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो फैक्ट्री लगा ले चीनी बनाने की, भाई उनको थोड़ा सा ऐसा मदद कर दे आप, जो एक छोटी मोटी मशीन दे दे जिससे वो गन्ना वगैरह का रस निकाल सके और अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए ये नहीं कि वो मजदूर बन के दूसरे शहर जा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सड़क पे सो रहे हैं। भाई इससे अच्छा तो ये है कि वो अपने गांव में रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, परिवार के साथ रह रहा है और अपना गन्ने पेरने की मशीन लगा रखा है तो थोड़ा बहुत कमा ले रहा है। तो गवर्नमेंट इसका इंश्योर करे, छोटे मोटे जो उद्योग हैं वो लगवाने में मदद करे ताकि वहां से पलायन रुके। आप अगर देखें तो गांव में आपका इतना बड़ा घर होता है, इतने बड़े जमीन, आप गांव में देखिए आपके घर के सामने कितना बड़ा मैदान होता है, जमीन होती है, सब कुछ होता है, और वही व्यक्ति शहर में जा रहा है, रिक्शा चला रहा है, रोड पे सो रहा है, एक टीन टप्पर डाल करके बेचारा जीवन यापन कर रहा है। तो इससे बढ़िया तो तुम्हारा गांव है कि वहां पर अगर कुछ मिल जाए, थोड़ा कम ही कमाओ, लेकिन आपको अगर वहां सुविधा मिल रही है तो बेटर हो, जी लेगा सही तरीके से, सम्मानपूर्वक जीवन भी होगा। पता चला लड़ाई चल रही है तो कह भी दोगे कि भैया हमसे लड़ोगे, आओ शहर में क्या, दो लोग मार के निकल जाएंगे, कोई ना आ रहा है आपको बचाने, तो गांव में तो आपके चार लोग साथ भी तो देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुटीर उद्योग लग सकते हैं तो आप उनमें मदद करिए, छोटे मोटे अगर वहां पे संसाधन है तो प्रमोट करिए, व्यक्ति को उस उद्योग में लगवाइए। जैसे बनारस की तरफ जाइए, भदोही जो है, भदोही का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका, वहां पर आपके कंबल वगैरह हो गए, कारपेट वगैरह जो होते हैं इनका काम होता है, तो प्रमोट करिए उसको, अच्छे लेवल पे करिए कि वहां का मतलब जो आदमी वो बाहर ना भागे, दिल्ली ना जाए, बंबई ना जाए, वहीं पर व्यवस्था कर दीजिए उसको। और किया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा, इस समय बहुत बड़े लेवल पर उनके जो छोटे कुटीर उद्योग है उनको शुरू करने की प्रयास फिर से चालू हो गया है, जो धंधे बंद हो गए थे उनको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश पूरी की जा रही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 43 हमें यही कहता है कि कामकार जो है, जो एम्प्लॉय है, जो हमारे नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको कम से कम इतनी मजदूरी तो दीजिए कि वो अपने परिवार चला सके, वो 43 में बात हो रही है, ठीक है। 43A ये बाद में ऐड किया गया है, 43B भी बाद में ऐड किया गया, मतलब ये कहा जा रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये ऐसे समझ लो जैसे कंपनी है, अंबानी ने कंपनी खोली, तो अंबानी ने कंपनी खोली बड़ी, अब उनका जो मैनेजमेंट है अब उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के मैनेजर है, उन्हीं के सब कुछ है, तो फिर तो वो तानाशाही टाइप का हो जाएगा। तो आर्टिकल 43A जो ऐड किया गया, इसमें बताया गया कि आप अपने प्रबंधन में अपने एम्प्लॉय को भी शामिल करिए, जरूरी नहीं कि आपके केवल आप ही के लोग उसमें रहें। अगर कोई मजदूर यूनियन का है तो उससे भी कोई नेता ले लीजिए जिससे वो उनके अधिकारों को समझा सके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो कोई वहां का अधिकारी, तो उसको अपने बोर्ड में शामिल करिए जिससे वो बता सके चीजों का, मीटिंग हो जाए। तो मान लीजिए 10 डिपार्टमेंट है तो 10 डिपार्टमेंट के कुछ प्रतिनिधियों को ले लीजिए प्रबंधन में जिससे वो डायरेक्ट समझा सके आपको। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी उद्योग है उसका जो प्रबंधन है, जो मैनेज करना है, तो उसमें एम्प्लॉई को शामिल करिए, ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल बाहर ही कर दीजिए, उनके विचार मायने ही नहीं रखते, ऐसा नहीं, आपको कोशिश करनी है कि उनके विचारों को भी सुनना है, ठीक है। 43B क्या कहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बात करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जब मान लीजिए हम 10 लोग हैं तो 10 लोग हम लोग शामिल हुए, जैसे गांव वगैरह में चलता नहीं है, वो कमेटी वगैरह बना दी जाती है और कुछ इस तरह से, तो आपने स्वेच्छा से वॉलंटियरली हम 10-20 लोग साथ में आ गए, हम लोगों ने कहा चलो अब हम ऐसा करते हैं पापड़ बनाते हैं,
तो तुम ये काम करना और फिर पापड़ बनाने का हम लोग छोटा सा काम करना शुरू करते हैं। तो 10-15 लोगों ने मिल करके एक दूसरे की सहायता से अपना मतलब शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट अगर इन सहकारी समितियों को भी एड देगी, सहायता देगी, तो और अच्छे से वो करेगा, क्योंकि वो लोग एक वॉलंटियर अपना कुछ पैसा लगाकर शुरू किए हैं। तो गवर्नमेंट भी कोशिश करे कि उनको एक प्रोत्साहन दे सहकारी समिति को। जैसे अमूल, आप समझिए, अमूल जो है एक प्रकार से अमूल दूध वाला जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी था, एक कोऑपरेटिव है जो कई लोगों ने अपने वॉलंटियर अपनी इच्छा से मिल करके उसको खड़ा किया। ठीक है, बहुत सारे बैंक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक कहे जाते हैं, तो सहकारी समिति है वो। मतलब ये पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने शुरू किया, कुछ लोगों ने मिल करके अपने इच्छा से वॉलंटरली सहमति से, जिनके विचार मिलते जुलते थे उन लोगों ने मिल करके उसको खड़ा किया। तो सहकारी समिति का मतलब ऐसा होता है। तो सहकारी समिति के प्रबंधन, संचालन और नियंत्रण, इन चीजों पर भी ध्यान रखा जाए और समय समय पर जो गवर्नमेंट है वो इनको सहायता देती रहे। तो ये चीजें 43B में कही गई। अनुच्छेद 44 बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये आज भी आपको देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कहा जाता है कि आप अगर हम भारत देश में रह रहे हैं तो सभी के लिए समान नागरिक, आप न्यूज में सुने होंगे इस बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हो रही है कि पूरे देश में कोई किसी भी धर्म का हो सबको एक प्रकार का समान नागरिक संहिता हो। देखो क्या होता है स्टूडेंट, हमारे देश में धर्म बहुत हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं और सभी के धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज हैं। जैसे हमारे धर्म में, तो हमारे धर्म में शादी विवाह का जो पैटर्न है वो एक विवाह करने का है, मुस्लिम धर्म में 4 विवाह करने का धर्म है और उनके जो नियम कानून हैं उनके अलग हैं। ठीक है, उनके जो कानून चलते हैं उनके हिसाब से चलते हैं, हमारे कानून हमारे हिसाब से चलते हैं। फिर सिख धर्म में कुछ हैं, उनके अपने नियम हैं। तो 44 जो है वो कहता है कि कोशिश करिए कि समान नागरिक संहिता हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सब पर एक प्रकार का कानून लगे। क्या ये है अभी? नहीं है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है अभी देश में? नहीं है ना। अगर इतना ही करना था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बना दिया? उन्होंने डीपीएसपी में क्यों रखा? इसको सीधे फंडामेंटल राइट में रख देते और फंडामेंटल राइट कर देते तो कोई उल्लंघन ही नहीं कर सकता था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ही हो जाता पूरे देश में, क्योंकि फिर ये कोर्ट में अगर हनन होता कोर्ट में चुनौती मिल जाती। डीपीएसपी है इसलिए आप इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये लोग अपना बस इतना कह रहे हैं कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि कोशिश करे, कंपलसरी नहीं, कोशिश करे कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो। बट ये पॉसिबल नहीं है, ये उस समय भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस समय हम इस कंडीशन में नहीं थे। एक तो जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द था वो बिगड़ा हुआ था, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे आपस में, क्योंकि आप देखिए आजादी का जो समय चल रहा था उस समय भयंकर दंगे हो रहे थे, पार्टीशन का दर्द हमने झेला था। तो अब उस समय हम इस चीज को लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ जाता और इस चीज को रोकने के लिए ही उन लोगों ने इसको फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं किया, कंपलसरी नहीं कर सकते थे। हाँ, उन्होंने सरकार पर छोड़ा डीपीएसपी में शामिल करके कि अगर आपको समय के आधार पर ऐसा लगता है कि हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब हमें नागरिक संहिता लगा देनी चाहिए तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको लागू करवाइए। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इस कंडीशन में नहीं लगती हमें कि वो लागू कर पाएगी। रीजन, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट इसको लागू करने जाएगी तो जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे बहुत बड़े लेवल, पता है ना। भाई इतना आसान तो नहीं है अब लागू करना कि एक समान नागरिक संहिता लागू हो जाए, क्योंकि हर धर्म के लोग कहेंगे कि भाई हमारे धर्म का उल्लंघन हो रहा है, हमारे धर्म में ये बोला गया है, एक कानून लगा दोगे तो मतलब गड़बड़। लेकिन फिर भी एक कोशिश की गई 3 तलाक वाला हटाने वाला, वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही एक देखने को मिलता है, अनुच्छेद 44 के तहत ही। इसी को ध्यान में रखते वो सोचते हैं कि हमने ये थोड़ा सा इनको समान अधिकार देने की बात की है। तो एक पॉइंट तो जो इसमें से मतलब अप्लाई किया गया है वही जो 3 तलाक वाला अगर हम लोग देखें तो कोशिश किया है गवर्नमेंट ने कैसा करें, लेकिन अभी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं हुआ है और आगे आने वाले समय में हमें लगता है कुछ समय के लिए तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब देखा जाएगा, देखो अगर कोई ऐसी सरकार जो बहुत पावरफुल है इस समय अगर वो लागू नहीं कर पा रही तो ये मान लीजिए कि गठबंधन की कोई सरकार लागू नहीं कर सकती। ये ऐसे कुछ नियम है जो ये वही गवर्नमेंट लागू कर सकती है जो बिल्कुल पावरफुल हो, पावर में हो, जो किसी के दबाव में ना हो। अगर वो लागू नहीं कर पा रहा
तो इसका मतलब ये लागू कराया ही नहीं जा सकता, फिर लागू कर ही नहीं पाएंगे आप किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इसमें समझना होगा। तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। हाँ, गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, 1987 से ही लागू है। गोवा एक ऐसा क्षेत्र है आपका, एक ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, वहां पर आपके अपने वो नहीं चलते, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है वहां पे वो अप्लाई होता है। तो ये 1987 से ये चीज उस राज्य में लागू है। अपराध के कानून को क्या बोलते हैं? दंड संहिता। चुनाव के कानून को क्या बोलते हैं? आचार संहिता। चुनाव जब होते हैं तो उस समय जो कानून बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं आचार संहिता, और जो अपराधी होता है उसके लिए हम कहते हैं दंड संहिता। इस दंड संहिता के तहत हम आपको 14 साल की सजा सुनाते हैं, हम इस दंड संहिता के तहत हम आपको फांसी की सजा सुनाते हैं, ठीक है। और कोई नेता अगर चुनाव के समय अगर बहुत ज्यादा कुछ इधर भाषण देता है तो हम आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में आपको बैन करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात समझ में आती है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली 41 से लेकर के कहां तक, 41 से लेकर के 44 तक, और हमें पूरी आशा है कि आपको ये याद नहीं हुआ है 41 से 44 तक। 40 तक तो आपको याद हो गया है, ये हमें कंफर्म है, लेकिन 41 से 44 तक आपको याद नहीं हुआ है, ये हम बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो देखो, हम गलत नहीं बोलते, हम बिल्कुल कंफर्म है, 40 तक तो आपने समझ लिया, लेकिन 41 से 44 अगर हम अभी पूछे ना तो अभी इसमें से आधे से नहीं बता पाओगे। तो चलिए फिर से सामने आइए सब लोग, बस खत्म करने वाले हैं, बस आज के लिए इतना ही, सेवा आपके, आज की मजदूरी हम खत्म करने वाले हैं, कल से फिर आएंगे, ठीक है। तो कई लोग कहीं और तो नहीं निकल गए थे थोड़ी देर पहले जो लोग सामने थे? 44 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 44 में हमें बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की गई है बात। यस, राघवेंद्र, निधि, कृष्णा, रफिया, हेमा, सौरभ, ज्योति, सावित्री, शुभम, पीयूष, हाँ टाइप हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, किस स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? गोवा में लागू है, ठीक है। किस आर्टिकल में हमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है, किस आर्टिकल में हमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है? आर्टिकल 44 में, ठीक। कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है कि कम से कम व्यक्तियों को इतनी मजदूरी तो दो कि वो अपना परिवार चला सके, कम से कम इतनी मजदूरी तो दो कि वो अपना परिवार चला सके, विच आर्टिकल? 43। कौन सा आर्टिकल है जिसमें हमें यह बताया गया है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको इतनी मजदूरी दो ये तो वही हो गया, रिपीटेशन हो गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और हाँ, मैटरनिटी व्यवस्था के बारे में किसके लिए बताया गया है, जो प्रसूति सहायता देना है या उनके बारे में सोचना है, तो और न्याय सबको मिलता रहे, तो ये बात किसमें हुई है, मैटरनिटी वगैरह की? तो आर्टिकल 42 में। तो आर्टिकल 42 में मैटरनिटी की बात हुई है, उनको अगर जरूरत है तो उनको प्रोवाइड करिए। दूसरा 43 में हमारी क्या बात हुई है, कम से कम इतनी मजदूरी दो कि वो जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों को पाल सके, जो अपने बीवी के मेकअप वगैरह है उसको संभाल सके, नहीं तो अगली बार वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, तो विद्रोह हो जाएगा घर में, तो इतना कुछ तो कर ही सके। तो फिर उसके बाद ये हो गया। अगला अगर हम लोग देखें तो 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो गई है। अच्छा, 41 की बात करते हैं। 41 का मतलब ये है कि अगर समाज में कुछ ऐसे कंडीशन में लोग हैं कि वो सक्षम नहीं है, वो सक्षम नहीं है, तो आप गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता प्रोवाइड करिए, है ना, उनको कुछ, जैसे कि विकलांग लोग, ठीक है, उनको मदद करिए, विधवा पेंशन दीजिए, वृद्धा पेंशन दीजिए, विधवा विवाह वाला अगर हो सकता है तो करिए, उसमें सपोर्ट करना है तो कर दीजिए। तो ये चीजें, कुछ ऐसी कंडीशन अगर देखने को आती है तो आप उनको आर्थिक सहायता मुहैया करा सकते हैं। 41 आर्थिक सहायता मुहैया कराना, 42, यस एवरीवन, 42, जल्दी 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 42, मैटरनिटी से रिलेटेड, वेरी गुड,
43 मजदूरी। अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हमको पैसा चाहिए कि हम अपने परिवार को चला सके, खाना पीना खिला सके। तो ये बात हो रही है आपकी किस में, आर्टिकल 43 में, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। पंचायत की बात किसमें हुई थी, 40 में। पंचायत की बात किसमें हुई थी, 40 में। 39 में क्या बात हुई थी भाई, बच्चों वाला, कि उनको हेल्थी एनवायरनमेंट मिले और ये सब मिले, समान अधिकार मिले और वेतन जो है उसमें डिफरेंस ना हो, पुरुष स्त्री दोनों को बराबर मिले, यही बात हुई है ना। और 38 में क्या बात हुई है, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले। 37 में क्या बात हुई है, ये जुडिशियबल नहीं है, मतलब चुनौती नहीं दे सकते। और 36 में स्टेट की डेफिनेशन, एकदम डन। क्यों राफिया, याद हो गया? पूजा संदीप, शुभम, राघवेंद्र, इमरान, पीयूष, इमरान तुम कहाँ घूम रहे हो? हमको ऐसा लग रहा है इमरान वो ऊपर कोशिश कर रहा है आकाश में जाने की, क्योंकि उसका वही दिख रहा है, केवल बादल वादल दिख रहा है, तो कोशिश ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर ही घूम रहा है वो, है ना। तो टेस्ट के बारे में बताएं, टेस्ट के बारे में क्या बताएं, टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा, कल ही ले लें क्या टेस्ट, टेस्ट में क्या रखा है, ऑनलाइन ही तो लेना है, परसों लेंगे, मंडे को लेंगे, ठीक है, कल नहीं ले रहे, परसों ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी का होगा। बता दे आपको कि इसमें बहुत कुछ नहीं है इस बार टेस्ट में, आपका एक संविधान सभा वाला जो पार्ट है वो है, संविधान के स्रोत वगैरह हैं, और एक दो इन्फॉर्मेशन आपके पार्ट वाले से है कि जैसे पार्ट 9 में क्या है, पार्ट 8 में क्या है, है ना, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, पूरे पार्ट वाला जो 22 पार्ट है आपके पास, और अनुसूची से भी शायद एक का क्वेश्चन है, जो मतलब लिस्ट वाले से अगर हम देखें तो। एक आपका संविधान सभा, संविधान स्रोत, और जो आपका ये पार्ट्स हैं, कि बहुत डिटेल में नहीं पार्ट पूछा गया है, बस एक मतलब किस पार्ट में क्या डिस्क्रिप्शन है, वैसे से एक दो क्वेश्चन रिलेटेड है, और अनुसूची, कौन से अनुसूची में क्या बात हुई है, और एक दो क्वेश्चन आपके हैं 1935 वाले एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे भी है एक दो क्वेश्चन है, कौन सा है अब ये थोड़े बताएंगे, बस ये है कि हाँ उस एक्ट से एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, अगर इतना आप पढ़ते हैं तो आपका जो टेस्ट पेपर है वो हो जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन है टेस्ट में, और बहुत टफ नहीं है, अगर इतना अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, बहुत अंदर आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टेस्ट में हमने वो सब नहीं दिया है, फर्स्ट टेस्ट में एक केवल ओवरव्यू टाइप का है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का खत्म करें, कल फिर मिलेंगे। नोट सेंड करना है, हाँ हम नोट सेंड कर देते हैं, क्योंकि असल में वो जो जिसको एडिट किया है, क्योंकि पुराना वाला हम सेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब एडिट करके उसको कंबाइन कर रहे हैं, तो हम जैसे ही उसको कर लेते हैं हम एक साथ तुमको भेज देंगे सब लोग को, ठीक है। तो दो चार पेज रह गए हैं, उसको हम कंबाइन कर ले जरा, तो पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों हम सेंड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए खत्म करें, ओके, थैंक यू एवरीवन, सभी लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी मजदूरी के लिए तैयारी करते रहिए जिससे आगे मिल सके।